2017 की मच अवेटेड फिल्मों में से एक थी पद्मावती, जो कि रिलीज नहीं हो पाई। लेकिन उसके बाद सलमान की टाइगर जिंदा है। पर जनाब अब ऐसा लगता है कि टाइगर जिंदा है पर भी मंडराने लगे हैं खतरों के बादल। राज ठाकरे ने दी है टाइगर जिंदा है को थिएटर्स में न चलने देने की धमकी। क्या है माजरा बताते हैं आपको। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अभिषेक। आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। बात चल रही है महाराष्ट्र नव निर्माण सेना यानी कि मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे की उस धमकी के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा है कि सिनेमा घर मालिक मराठी फिल्म देवा को प्राइम टाइम में जगह दें, अदरवाइज सलमान की टाइगर जिंदा है फिल्म को वो थिएटर्स में नहीं चलने देंगे। दरअसल मुंबई के सिनेमा घरों को एक पत्र भेजकर राज ठाकरे ने धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि सिनेमा घर मालिकों को चेतावनी देता हूं कि अगर मराठी फिल्म देवा को प्राइम टाइम में नहीं दिखाया गया तो बॉलीवुड सुपरस्टार की आने वाली फिल्म टाइगर जिंदा है को किसी भी स्क्रीन पर नहीं चलने देंगे। दरअसल मराठी फिल्म देवा 22 दिसंबर को ही रिलीज होने वाली है और उसी दिन सलमान की टाइगर जिंदा है रिलीज हो रही है। बट टाइगर जिंदा है के चक्कर में मराठी फिल्म देवा को स्क्रीन नहीं मिल पा रही, प्राइम टाइम नहीं मिल पा रहा। इसीलिए मनसे प्रमुख राज ठाकरे का कहना है कि सलमान की फिल्म की वजह से मराठी फिल्म देवा को सिनेमा घरों में जगह नहीं मिल रही। उन्होंने आगे कहा कि अगर महाराष्ट्र में रहकर मराठी फिल्म को जगह नहीं दी जाएगी तो हम यहां पर कोई भी हिंदी फिल्म नहीं चलने देंगे। इसीलिए उन्होंने सिनेमा घर मालिकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि या तो मराठी फिल्म देवा लगवाओ, वरना हम मुंबई के सभी सिनेमा घरों में हिंदी फिल्म टाइगर जिंदा है नहीं चलने देंगे। अब मनसे की इसी धमकी के चलते सिनेमा घर मालिक दुविधा में हैं, क्योंकि ज्यादातर सिनेमा घरों में टाइगर जिंदा है की एडवांस बुकिंग हो रखी है। अब अगर राज ठाकरे इस फिल्म का विरोध करते हैं तो सिनेमा घर मालिकों को काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। बहरहाल आपको बता दें कि 22 दिसंबर को रिलीज हो रही है टाइगर जिंदा है और उसी दिन रिलीज हो रही है मराठी फिल्म देवा। अब देखते हैं कि ये विवाद कौन सा मोड़ लेता है, मामला शांत होता है या पकड़ता है तूल। फिल्मी बीट के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को।